वेलकम टू माय चैनल मिस एंड इन वीडियो आई बी टेलिंग यू अबाउट सम टॉपिक्स ऑफ ऑफ द पेपर यूनिवर्सिटी दैट इज द अपलाइड माइक्रोबायोलॉजी तो अगर ये आपकी यूनिवर्सिटी में भी है तो आप ये चीजें प्राइमरी पढ़ के जा सकते हैं तो सिलेबस इसका काफी लेंदी है तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कंक्लूड करी है जो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए राइट तो मुझे बहुत लोग बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए इसके ऊपर तो मैंने ये वीडियो जनरली बनाई है आप लोगों के लिए अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को क्या करें लाइक करें ठीक है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या है लिखा है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो ये वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि मैंने यहां पे जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स को मैंशन किया है सिलेबस में से उठा के जो सबसे इंपॉर्टेंट है राइट आप इन चीज़ों को पहले प्रिपेयर करें और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी चीजें जरूर प्रिपेयर करके जाए जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ वो तो आपको पहले कवर करना है लेकिन अगर आपके पास टाइम बसता है तो आप बाकी आपको बाकी चीज़ें भी कवर करनी है राइट सबसे पहले टॉपिक जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका सिलेबस जो है इस चीज पे डिपेंडेंट है तो आप स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जरूर पढ़ के जाएं जैसे आप देख सकते हो कि आपके सिलेबस में क्या है एरो माइक्रोबायोलॉजी देखा है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी दिया है तो इनके बारे में एटलीस्ट आप थ्री टू तो फोर पॉइंट क्या है वहां पर पढ़ के जाए ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है क्या चीज इंक्लूड करते हैं तो आप हर एक सिलेबस में कुछ भी चीज़ सबसे पहली बात आपको सिलेबस पता होना चाहिए तो सिलेबस में जो आपका हर एक टाइप की माइक्रोबायोलॉजी दी है ना तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए वही चीज क्या होती है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती है ठीक है सेकेंड टॉपिक आपको माइक्रोब्स के ग्रुप के बारे में पढ़ना है जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं आप चाहे तो उस वीडियो से पढ़ सकते हैं ठीक है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उन वीडियोस का तो आप वहां से जाके डायरेक्ट क्लिक करके उस पर जा सकते हैं या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी मेरी प्लेलिस्ट है वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं ठीक है थीके? तो माइक्रोब्स के ग्रुप में जैसे एल्गी क्या है फंजाई क्या है प्रोथिस्टा मोनेरा ठीक है अब मोनेरा में भी क्या होता है बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया इस तरीके से हम लोग कैटेगरीज निकालते हैं ठीक है तो ये चीज आप इसमें क्लियर करके जाइए माइक्रोब के, के ग्रुप्स में देन फूड माइक्रोबायोलॉजी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है माइक्रोबायोलॉजी का इसमें हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं क्या फूड स्पॉयलेज होती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है कैसे फर्मेंटेशन किया जाता है कौन कौन से माइक्रो फूड माइक्रोबायोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है देन वी हैव द वाटर प्योरिफिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाटर प्योरिफिकेशन ये है भी थोड़ा ईजी में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी तो वाटर प्योरिफिकेशन का क्या मैथड होता है ये आपको पता होना चाहिए क्या इसका प्रोसीजर होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर दिस वी हैव द मशरूम कल्टिवेशन मशरूम कल्टिवेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं क्योंकि जो है मशरूम कल्टीवेशन में आपको जनरली प्रोसीजर पढ़ना पड़ता है कि कैसे हम लोग मशरूम को कल्टिवेट करें और इसमें आप ये भी जरूर पढ़े कि मशरूम क्या होते हैं ठीक है जनरली इसको हम लोग साइंटिफिक नेम इसका अगारेगस होता है ठीक है तो इसकी अलग अलग वेराइटीज आती है तो आप कौन सी क्लास को बिलोंग करता है कौन सी स्पीसीज को हम कंज्यूम करते हैं सबसे पहले कहाँ कल्टिवेशन हुआ था तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ मुझे टाइम लगेगा तो मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी ठीक है आफ्टर दिस वी हैव एस सी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन में क्या सिंगल सेल प्रोटीन होता है क्या इसके एडवांटेज होते हैं क्या डिसएडवांटेज होते हैं ये चीज़ प्रिपेयर करके जाना है और एस में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको हर एक ग्रुप के माइक्रोब का एग्जाम्पल पता होना चाहिए लाइक like कौन सा बैक्टीरिया होता है एलगी सुनाग स्पायरोला क्लोरेला ठीक है ये कुछ कुछ चीजें होती है तो आपके हर एक पर्टिकुलर जो माइक्रोब्स होता है उसका आपको यहां पे सिंगल सेल प्रोटीन में पता होना चाहिए आफ्टर सिंगल सेल प्रोटीन वी हैव द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स अपलोड कर दिए वहां जाके आप चेक कर सकते हैं ठीक है ये नोट्स काफी हेल्पफुल है जो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ तो अगर इससे आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो को एंड लाइक एंड शेयर ओके उसके बाद से वी हैव द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में देखो आप क्या करते हो जैसे वैक्सीन

तो वट इज़ वेस्ट डिग्रेडेशन बायो रेमेडिएशन ये चीज़ आप क्लियर करें और इसके अलावा एक और टॉपिक आप लोग का दिया है इकोलॉजी तो इकोलॉजी क्या होती है क्या इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसने इकोलॉजी को डिस्कवर किया है ठीक है इकोलॉजी में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो क्या इकोलॉजी के अंदर फैक्टर्स होते हैं ठीक है कौन से कंपोनेंट होते हैं तो ये चीज़ आप थोड़ा बहुत वहाँ पे क्लियर करके जाइए इकोलॉजी के अंदर ठीक है तो अगर इस पर्टिकुलर सिलेबस की मैं बात करती हूँ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तो दीज़ आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी बट यू डोंट फुली रिलाई ऑन दिस टॉपिक अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप खुद के टॉपिक्स भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके जाइए मैं आपको पहले से बोलती हूँ राइट right? तो सबसे पहले कौन से टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स का ग्रुप फूड माइक्रोबायोलॉजी वाटर प्योरिफिकेशन मशरूम कल्टीवेशन सिंगल सेल प्रोटीन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी जियो केमिकल साइकिल जहाँ पर जो कि जियो केमिकल माइक्रोबायलॉजी के अंदर आपने पढ़ना है वेस्ट डिग्रेडेशन एंड इकोलॉजी इसमें से मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है फूड माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की तो आप वहाँ जाके वीडियो से उस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं और मुझे टाइम लगेगा तो मैं जरूर मशरूम कल्टिवेशन और वाटर प्योरिफिकेशन पर वीडियो बनाऊंगी ठीक है तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड As much as you can, okay? So, thank you.